गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब लोग ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे की मॉर्निंग से। कई दिनों से मैंने मॉर्निंग का व्लॉग शेयर नहीं किया है, तो आज मैंने मॉर्निंग से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। अभी करीबन 10 बजे का टाइम हो रहा है और आज क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट करने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है, क्योंकि मॉर्निंग में टिफ़िन वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट बनाया और हस्बैंड ऑफिस के लिए जा चुके हैं। उसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और आजकल तो सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप आ जाती है कि ज़्यादा देर धूप में काम नहीं हो पाता है। धूप में आजकल बैठना भी छोड़ दिया है। दोपहर के टाइम पे तो कोई भी नहीं निकलता है बाहर और इतनी तेज़ हवा चलती है। बालकनी में अगर झाड़ू लगाओ ना, 1 घंटे बाद फिर वैसे ही हो जाता है, धूल मिट्टी उड़ के आ जाती है, बहुत गंदा हो जाता है आजकल। तो ये सीज़न ही ऐसा चल रहा है आई थिंक, कि इसमें बहुत तेज़ तेज़ हवा चलती है, तो कितना भी झाड़ू लगाओ कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन अपनी तरफ से क्लीनिंग तो करनी पड़ती है। और फ्लोर भी देखिए कितना इसमें मिट्टी निकल रहा है, तो डेली का ही होता है, डेली मॉर्निंग में झाड़ू लगता है और डेली ही इतनी गंदगी निकलती है। और आज मैं किचन का एक नीचे वाला कैबिनेट जो है इसको खाली करके एक बार अच्छे से क्लीन कर लूँगी। वैसे तो सारे कैबिनेट साफ़ सुथरे हैं, लेकिन अब जैसे होली आने वाली है, तो होली आने से पहले एक बार मैं घर की थोड़ी अच्छे से डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो वैसे वाली क्लीनिंग नहीं जैसे दिवाली में हर एक सामान हटा के अच्छे से निकाल निकाल के क्लीन करती हूँ, उस तरीके से नहीं, क्योंकि दिवाली अभी सिर्फ 3-4 महीने पहले ही होके गई है, तो घर अभी एकदम क्लीन है, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं हुई है, कहीं पर जाले वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, और ना ही सीलन की प्रॉब्लम है। बस एक बार क्लीन ज़रूर कर लेना चाहिए, ताकि ये भी पता चल जाएगा कि कॉकरोच वगैरह तो नहीं है, और जो धूल मिट्टी होगी, जो जाले वगैरह भी होंगे, तो वो भी सब क्लीन हो जाएंगे इसी बहाने। शाम के 4 बज गए हैं और मैं सुबह सुबह ब्लॉग कंटिन्यू किया था, लेकिन उसके बाद मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि फिर घर के काम करने लगी थी, इस वजह से फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। अभी 4 बज गए हैं, मैं सो गई थी, वीडियो एडिटिंग कर रही थी, तो एडिटिंग करते करते नींद आ गई। अब जाके मेरी नींद खुली है 3:30 बजे। और ये जो बलून लगे हुए ना, ये मैंने आपने देखा होगा वैसे, 31st के टाइम पे मैंने लगाए थे, जब न्यू ईयर आने वाला था उस टाइम पे मैंने डेकोरेट किया था ये सब, लेकिन अब जो है ना बहुत ही बेकार हो गए हैं, अभी अच्छे नहीं लगते, तो मैं इनको निकाल रही हूँ, इनको मुझे थ्रो करना है, डिस्कार्ड करना है। अदरवाइज जब तक लगे हुए थे अच्छी तरीके से फूले हुए थे ना, बहुत सुंदर लग रहे थे, लेकिन अब जो है ना बेकार हो गए हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का, तो मैं सोची हूँ इनको निकाल देती हूँ। तो बाकी सारा रूम मेरा सेट है, अच्छे से सेट किया हुआ है मैंने, और क्लीनिंग वगैरह मॉर्निंग में कर दी थी, थोड़ा सा सामान वगैरह अरेंज करना था वो मैंने अभी किया है। तो सबसे पहले मैं ये बलून निकालती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। सारे बलून हैं, इनको मुझे डिस्कार्ड करना है, तो डिस्कार्ड करने के लिए मैं पिन का यूज़ करूँगी और पिन से इनको फोड़ दूँगी, क्योंकि
यही एक रास्ता है। और आज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं डिनर में क्या बनाऊं, तो मुझे सोचना पड़ेगा। रोज का ये टेंशन होता है कि आज मैं डिनर में क्या बनाऊं। सब्जी सिर्फ लौकी रखी हुई है, छोटे साइज की लौकी रखी है और थोड़े से मटर हैं, आई थिंक इसमें थोड़े से मटर रखे हुए हैं। इसके अलावा पूरा फ्रिज मेरा खाली है, इसमें टमाटर है, तो टमाटर का तो कुछ अकेले बन नहीं सकता, तो या तो मैं लौकी बनाऊंगी, मतलब मटर बनाऊंगी, या तो फिर लौकी। देखते हैं इसमें से मुझे क्या बनाना है। फिलहाल मैं चाय बनाती हूँ, चाय के साथ मैं ब्रेड बटर खाएंगे। ब्रेड बटर और चाय का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। हॉस्टल टाइम से मैं चाय और ब्रेड बटर खाती थी हमेशा। और वेडनेसडे को क्या मिलता था ब्रेकफास्ट में? ब्रेड बटर मिलता था या तो फिर ऑमलेट मिलता था, तो मैं ऑमलेट नहीं खाती थी, मुझे ब्रेड बटर बहुत पसंद था, तो हमेशा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लोग ब्रेड बटर ही खाते थे। और मेरे पास कमेंट आया था, ये वाला कॉफी मग जो है बहुत अच्छा है, सबको पसंद आया, मुझे भी काफी अच्छा लगा। और इसी का सेम एक ब्लू कलर में भी है, वो मैंने अभी वॉश किया हुआ है। मैं ना कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे कौन सा कलर लेना है, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि कौन सा लेना है आप बताओ, तो मल्टी कलर वाले भी थे वहां पे, लेकिन मल्टी कलर वाले उतने खास लगे नहीं मुझे, तो एकदम सिंपल प्लेन कलर वाले में लिया है, एक येलो और एक ब्लू। और इसके साथ का जो मिल्क मग था ना वो टूट गया, जो कि मेरा फेवरेट था, बहुत अच्छा था वो, लेकिन थोड़ा सा कॉस्टली भी था, 160 का मिला था और ये 60 रुपीज में मिला है। साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मसाला भी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो ये मुझे बनाना पड़ेगा। काली मिर्च रखी हुई है मेरे पास, इसमें काली मिर्च है तो अभी काफ़ी सारी है। और ये कॉफ़ी वाली बोतल थी जिसको मैंने नेल पेंट से डेकोरेट किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा यूज़, मतलब बहुत अच्छे यूज़ में आ रहा है। इसमें मैंने काली मिर्च रखी हुई है स्टोर करके, काफ़ी अच्छी बोतल है ये और काफ़ी स्ट्रांग भी है। इसके अलावा लौंग थोड़ी सी रखी हुई, तो हो जाएगा, मसाला बन जाएगा मेरा। साढ़े छः बज गया है और मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। ये मटर मैंने पील ऑफ करके रख ली, काफ़ी दिन से मैं लेके रखी हुई थी ये मटर, लेकिन ना इनको बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसमें से अभी देखो इस तरीके से अंकुरित होने लगी है, मतलब कि ये, तो इनको मैंने पील ऑफ करके रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। कल या फिर परसों में इनकी कुछ सब्जी या फिर मैगी वगैरह में बना के इसको यूज़ करेंगे। और मटर डाल के पोहा बहुत अच्छा लगता है, मटर डाल के मैगी बहुत टेस्टी लगती है। तो डिनर की तैयारी कर रही हूँ मैं, डिनर के लिए मैं बना रही हूँ सिंपल सी लौकी, उसके साथ मैं बनाऊंगी माड़े जो कि चावल के आटे से बनते हैं। तो इसका और माड़े का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं माड़े बनाती हूँ तो उसके साथ में लौकी की सब्ज़ी भी अच्छी लगती है मुझे, तो ये बना लेती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। आफ्टरनून, दोपहर के 1:30 बजने वाले हैं और मैं अभी तक लंच नहीं बनाया है मैंने, अब जाके मैं लंच की तैयारी करूंगी। तो लंच के लिए आज मैं बढ़िया सी पहाड़ी रेसिपी बना रही हूँ, तो ये गहत है। गहत को मैंने कल रात को भिगो के रख लिया था, इसको मैं पीस के बनाने वाली हूँ। और मॉर्निंग में ना हम लोग सब्जी लेने चले गए थे, तो इतनी सारी सब्जियाँ लेके आए हैं, सब्जी और फल,
वैसे तो संडे को यहाँ मार्केट बंद रहती है, ज़्यादा ताज़ी सब्जियाँ आती नहीं है, लेकिन घर पे कुछ भी नहीं था, सैलेड वगैरह के लिए भी कुछ नहीं था, तो दूध भी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग लेके आए हैं, तो इनको तो मैं बाद में वॉश करूँगी। घर की क्लीनिंग वगैरह कर रहे थे सुबह, और उसके बाद सीधा हम लोग सब्जी लेने चले गए। और आज का वेदर बड़ा अच्छा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही है, बारिश भी हो सकती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, तो इसलिए हम लोग आराम आराम से काम कर रहे थे। कपड़े वगैरह धोने थे खूब सारे, तो वो सब वॉश किए हैं। हस्बैंड अभी बाहर गए हैं शॉप में, कुछ सामान लाना था उनको, तो वो सामान लेने के लिए गए हैं। मैं बनाती हूँ गहत के डुबके। सैलेड में खाने के लिए खीरा, दो खीरे लेके आए हैं, क्योंकि अब खीरे का सीजन आ रहा है, गर्मी आने वाली है, तो अब तो खीरा ही अच्छा लगेगा सैलेड में। उसके अलावा चुकंदर, तो तीन चार चुकंदर हैं, थोड़े से नींबू हैं, तो बस ये सारी सब्जियां हैं। उसके अलावा मैं क्या ला रही हूँ, फ्रूट्स भी लेके आए थे, फ्रूट्स केले लेके आए हैं, और ये बेर लेके आए हैं, शिवरात्रि आने वाली है ना, तो अब बेर काफी मिलने लगी है, तो हम बेर लेके आए हैं। और एक छाछ का पैकेट है, और दो दूध के पैकेट, बस ये सारी चीजें हैं, इनको मुझे खाली करना है अभी। मैं बैठ के कर रही थी एडिटिंग, और हेलो क्या हो रहा है, जिम चल रहा है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट आजकल ही मंगवाए हैं नए, इसके अलावा एक और है बड़ा वाला, वो पीछे साइड बालकनी में रखा हुआ है, तो आजकल चल इनका चल रहा है जिम। मॉर्निंग में नहीं हुआ था, तो अभी शाम को कर रहे हैं, तो इनका जिम चलेगा। मैंने अपना योगा कर लिया है, और अब मैं बैठ के आराम से वीडियो एडिटिंग करती हूँ। कल मेरा पार्सल आया था अमेजोन से, एक्चुअली मैंने कुछ ग्रोसरी मंगाई थी, अभी हम कुछ दिन पहले बिग बाजार से लेके आए थे, लेकिन वहाँ पे ना हमें सारा सामान नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने कुछ चीज़ें अमेजोन से भी मंगाई हैं, और फर्स्ट टाइम मैंने अमेजोन से ग्रोसरी मंगवाई है। मैं देख रही थी कि यहाँ पर डिलीवर होता है कि नहीं होता है, क्योंकि कई बार मैं चेक कर चुकी हूँ, पहले डिलीवरी का ऑप्शन नहीं दिखा रहा था ग्रोसरी में, लेकिन अब जो है ग्रोसरी यहाँ पर डिलीवर कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ से ग्रोसरी मंगाई है, तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ कि क्या क्या मैंने मंगाया है।
तो एक है गार्बेज बैग, क्योंकि गार्बेज बैग डस्टबिन में लगाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, अदरवाइज डस्टबिन ना बहुत गंदे हो जाते हैं। खत्म हो गया था, एक पीस बचा हुआ था और आज ही मैंने वो थ्रो किया है, तो ठीक टाइम पे ये आया है। एक नया गार्बेज बैग है मीडियम साइज का, और ये अच्छे रहते हैं, काफी महीने चल जाते हैं। लास्ट वाला मेरा जो आज खत्म हुआ है ना, 5-6 महीने चला है वो। ओरियो मंगवाया है मैंने, क्योंकि जब से ओरियो लेके आया है ना, तब से मुझे काफी अच्छा लगने लगा। तो 2 फैमिली पैक ओरियो के, 2 बड़े बड़े वाले, अच्छे लगते हैं चाय के साथ खाने में। और कश्मीरी लाल मिर्च, जिसका मैं हमेशा यूज करती हूँ अपनी रेसिपीज में, बहुत जरूरी है, खत्म होने वाली थी तो ये मैंने मंगा ली। और क्या है, मेथी दाना, तो ये मेथी दाना खत्म हो गया था, वैसे तो हम लोग घर से लेके आए थे, लेकिन अब वो भी खत्म होने वाला है, क्योंकि अचार वचार बहुत डाला था इस बीच, तो अचार में काफी यूज हुआ है, तो ये और मंगा लिया है मैंने। और बासमती राइस 1 kg फॉर्च्यून बासमती राइस है, बस इतना सही था मेरा ग्रोसरी, खत्म। बस ज्यादा चीजें मैंने कुछ नहीं मंगाई, कुछ चीजें छूट गई थी जो हम बिग बाजार से नहीं ला पाए, तो मैंने यहाँ से मंगवा ली है।